सो हे गाइज, अभी शादियों का सीज़न है 2023 का, तो देखते हैं कि इसमें अपने क्या क्या नया अपने वेयर अप कर सकते हैं और कैसी साड़ियों की डिज़ाइन है वो नाइट में अच्छी लग सकती है, कैसी दिन में अच्छी लग सकती है। तो मैंने अभी एक साड़ी परचेज की, वो सिर्फ नाइट के लिए ही देखा था मैंने। आप नाइट का कोई भी फंक्शन हो इसको पहनोगे तो उसका कलर बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा, तो इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। ये देखिए, ये इसका ब्लाउज है और ये साड़ी है। ये देखिए, इस साड़ी का कलर आपको वीडियो में कुछ अलग डिफरेंट दिख रहा होगा, लेकिन इसका प्योर जो वो सूखी मेहंदी आती है बिल्कुल हिना कलर का है, और थोड़ा इसमें येलो टाइप का भी नज़र आ रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छी है। अगर आपको दूर से ऐसा दिख रहा है कि ये सिल्क में है, तो इसका जैसे कि इसका फैब्रिक है वो ऑर्गेन्जा है और इसका वर्क है वो सिल्क वाला जरी का है, तो इसको ऑर्गेन्जा सिल्क की साड़ी बोलते हैं। और ये किसी भी तरह से अपने वियर करते हैं तो काफ़ी इजी रहती है, जैसे कि कोई भी अगर सिर पर लेना हो पल्लू तो भी काफ़ी आसानी में रहती है, और फ्री पल्ले की पहननी हो तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से आराम से ये टाई अप हो जाती है, पिन विन लगाने में कोई दिक्कत नहीं रहती और बहुत ज़्यादा मेंटेन रहती है। ये देखिए, इसमें आप कहीं पर भी देखोगे ना तो पूरे में वर्क है, ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी इसको छोड़ रखा है, ये शुरू से लेके एंडिंग यानी पल्लू तक का इसमें सेम वर्क है। पल्लू में थोड़ी सी अलग से इन्होंने डिज़ाइन कर दी थी, बाकी सेम रखा है इन्होंने। ये देखिए, जब आपको इस अलग से लेना होगा तो ब्लाउज भी इनके इसके साथ में ही आता है, ये इसका पल्लू है। ये देखिए, तो इसका इसने थोड़ी अलग डिज़ाइन कर दी है और बाकी इसका पूरे में वर्क है, कहीं पर भी डिफरेंट नहीं है। और आपको जो ब्लाउज मिलेगा वो भी बिल्कुल साथ में कॉन्ट्रास्ट मिलेगा, तो ये इसका ब्लाउज का कपड़ा इसके साथ में आया था, ऐसा नहीं है कि अलग से मैंने कोई लिया है इसका। और मैंने इसका थोड़ा सा नॉर्मली डिज़ाइन में सिलवा लिया, जैसे कि ये हाफ लेंथ की स्लीव्स बनवा ली और इन स्लीव्स की ये डिज़ाइन करवा ली ताकि ये इसमें मैच कर जाए, क्योंकि ये काफ़ी प्रिटी लगती है और नॉर्मली फंक्शन में अपने पहनते हैं ना तो इतनी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे ज़्यादा डिज़ाइंस थोड़ी हैवी हो जाती है, तो इन इन साड़ियों पे हैवी डिज़ाइन अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो जरी मोती वाला जो भी काम होता है उन पे अच्छी लगती है। ये तो नॉर्मली सिल्क का वर्क है तो अच्छा है। तो ये ब्लाउज मैंने इसके साथ सिलवाया है, हाँ, डिज़ाइन भी आप देख सकते हो कि सिंपल डिज़ाइन थी और एकदम परफेक्ट ब्लाउज इस पे हो गया, और इसका फैब ये जो कपड़ा है ये इसके साथ में आया था। अब देखिए, इसका वर्क की बात करें तो ये देखिए, इस कपड़े पे सिल्क का वर्क हुआ है, ये ऑर्गेन्जा कपड़ा है और इस पे ये वर्क हुआ है सिल्क का, और वर्क काफ़ी अच्छा हुआ है। ये देखिए, इसके अंदर से कहीं से भी निकलने का कोई डर नहीं है, बहुत ही फिनिशिंग हुआ है। ये देखिए, काफ़ी अच्छा है, जैसे पूरी हाथों से कारीगरी की है इन्होंने, काफ़ी अच्छा है। ये इसका प्योर लुक है, और ये इसके नीचे की और ऊपर की दोनों स्लाइड्स में ऐसे आपको पूरी पट्टी दिखेगी, यानी पूरी साड़ी पे पूरी लंबी में। देखिए, और ये है नीचे का साइड, जैसे अपने नीचे का रखते हैं तो नीचे में ये थोड़ी बड़ी है, ये इतनी चौड़ी और यहाँ पर ये इतनी है, तो पहनने में इजी रहती है, और फिर पहनने के बाद जैसे अपने पिन में टाई अप करते हैं तो बहुत सही रहती है। ये नीचे से थोड़ा हैवी हो जाता है ना, फाल लगाने की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए, और इसको आप मैंने कितने में परचेज की और आपको कहाँ से लेनी है इसके बारे में अगर बताऊँ तो मैंने इसको ओनली 415 मतलब 1500 रुपये में ली थी, और आपको अगर लेनी हो तो आप भी इसको ले सकते हैं। मैंने इसको जयपुर के ज्वार कला केंद्र में जो भी साड़ी या सिल्क एक्सपो लगता है उसके अंदर से परचेज़ किया, आप भी वहाँ जाके आराम से 1500 से 1700 रुपये में अच्छे से अच्छी साड़ी खरीद सकते हैं। वहाँ से वहाँ पर विभिन्न सिटीज़ के जो भी लोग आते हैं वो काफ़ी अच्छी रेट में रीजनेबल रेट में अच्छी अच्छी साड़ियाँ देख के जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।